आज हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र में। ये नौतनवा क्षेत्र भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहाँ से नेपाल बॉर्डर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। आपको बता दें, नौतनवा का नाम नौतनवा कैसे पड़ा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोगों का कहना है कि जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे तो उन्होंने नया वस्त्र यहाँ धारण किया और उसके बाद यहाँ का नाम नूतन हो गया। लेकिन ब्रिटिश राज जब भारत में दस्तक दी, उसके बाद में यहाँ पे वो लोग नूतन नहीं कह पाते थे, इसलिए इसको न्यू टाउन कहने लगे। न्यू टाउन कहते कहते वो लोग जब ब्रिटिश राज यहाँ से चली गई, उसके बाद यहाँ के लोग इसको नौतनवा कहने लगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है। आइए हम एक और सच्चाई आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ की शाखाएं, 9 शाखाएं इसमें निकली हुई हैं, जो जीवंत उदाहरण है कि हाँ, इसके वजह से इसका नाम नौतनवा पड़ा होगा। इस एक पेड़ के से लगभग 9 पेड़ आसपास निकले हुए हैं, जिसके वजह से लोगों का कहना है कि इसका नाम नौतनवा पड़ा। देखिए, जो मेरे संज्ञान में है, जो मुझे जानकारी है अपने बुजुर्गों से और यहाँ के प्राचीन लोगों से, जो मेरी बात हुई कि जब भगवान बुद्ध नौतनवा पहुँचे तो उन्होंने अपना नया वस्त्र यहीं धारण करके कुशीनगर के लिए रवाना हो गए। तब से नूतनवा नाम से ये जाना जाता था। ब्रिटिश राज आया, उन्होंने न्यू टाउन कह के इसको न्यू टाउन हुआ। फिर धीरे धीरे इसका नाम नौतनवा पड़ गया। यही इसकी सच्चाई है। नौतनवा कस्बा जो अपने आप में कई कहानियां समेटे बैठा है, अभी आपने हमारे साथी के द्वारा देखा कि नौतनवा का नाम नौतनवा कैसे पड़ा। अब आपको बता दें, नौतनवा कस्बे में ही गोरखपुर सनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के पास प्रसिद्ध माँ बनेलिया मंदिर है, जिसकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। नेपाल से जो भी टूरिस्ट आते हैं, नौतनवा से होके ही वो भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं और नौतनवा में जैसे प्रवेश करते हैं तो माँ बनेलिया का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। आपको बता दें, नौतनवा में माँ बनेलिया का आशीर्वाद जिसने भी सच्चे मन से लिया है, उनकी हर मनोकामनाएँ पूरी हुई है। तो इस बात से भी नौतनवा में माँ बनेलिया मंदिर होने की वजह से नौतनवा की पूरे देश में एक अलग ही पहचान है। आपको बता दें, भारत नेपाल भारतीय सरहदी क्षेत्र में बसा नौतनवा कस्बा अपने आप में एक अलग पहचान के नाम से जाना जाता है। कोई भी या अगर टूरिस्ट भारत से नेपाल जाते हैं तो उन्हें नौतनवा से होके गुजरना पड़ता है, और अगर नेपाली टूरिस्ट नेपाल से भारत के अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं तो भी उन्हें नौतनवा से होके गुजरना पड़ता है। तो इस मायने से नौतनवा की एक अलग ही पहचान, एक अलग ही छवि है, जिसे हम तमाम रूपों में